हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर बायो ऑर्गेनिक का एक टॉपिक, ठीक है, जो है आपका एफएमएन। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में अनसोल्ड में दिया हुआ है आपको 2018 में, आप अनसोल्ड उठा कर देखना, ठीक है। एफएमएन फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो ये होता क्या है, ठीक है, इस पर हम देखेंगे आज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज राइबोफ्लेविन फॉस्फेट। इसको हम राइबोफ्लेविन फॉस्फेट भी कह सकते हैं। राइबोफ्लेविन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ दिस कोएंजाइम। राइबोफ्लेविन क्या है? एक कॉम्पोनेंट है किसका? कोएंजाइम का। अनोदर नेम ऑफ दिस कोएंजाइम इज राइबोफ्लेविन 5-फॉस्फेट। इसका जो दूसरा नाम है वो है हमारा राइबोफ्लेविन 5-फॉस्फेट। एंड इट कम्बाइन विद वेरियस स्पेसिफिक प्रोटीन टू फ्रॉम एंजाइम। और ये कम्बाइन किससे होता है? प्रोटीन से या एंजाइम से। एग्जाम्पल, ये इसका मतलब क्या है? एल मतलब डेक्सट्रो लिवोफॉर्म होती है, जैसे एमिनो एसिड ऑक्सीडेज एंड साइटोक्रोम सी रिडक्टेस, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगर आप एफएमएन की स्ट्रक्चर आपसे पूछी जाए तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। इसमें क्या है? 3-बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपका CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे नाइट्रोजन एंड यहाँ पे भी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन से आपका CH2 CHOH का थ्राइस, CH2 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड P एंड फॉस्फेट, ये आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। पी से डबल बॉन्ड ओ अटैच है एंड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH एंड सिंगल बॉन्ड OH। फिर यहाँ पे बेंजीन रिंग है तो आपकी ये स्ट्रक्चर हो जाती है, ठीक है, एफएमएन की। फिर इस स्ट्रक्चर के बारे में हम बताते हैं। स्ट्रक्चर इलुसिडेशन ऑफ एफएमएन। एफएमएन इज ऑब्टेन बाय द फॉस्फाइडेशन ऑफ लैक्टोफ्लेविन। इफ वी इलुसिडेट स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोफ्लेविन, स्ट्रक्चर ऑफ एफएमएन कैन बी डिटरमाइन। मतलब अगर हम लैक्टोफ्लेविन के स्ट्रक्चर को इलुसिडेट करेंगे, मतलब डिटरमाइन कर लेंगे, तो एफएमएन की स्ट्रक्चर खुद डिटरमाइन हो जाएगी। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ राइबोफ्लेविन इज C17H20N4O6। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता क्या है, आपको याद रखना है। अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ फ्लेविन राइबोफ्लेविन गिव्स ल्यूमीफ्लेविन। फोटोसिंथेसिस ऑफ राइबोफ्लेविन आल्सो गिव्स ल्यूमीफ्लेविन। अगर हम फोटोसिंथेसिस करेंगे राइबोफ्लेविन का तो हमें क्या मिलता है? ल्यूमीफ्लेविन। राइबोफ्लेविन अपॉन फॉलोइंग रिएक्शन गिव्स एफएमएन। एंड राइबोफ्लेविन से क्या होता है, जब हम इसके पीरिडिन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है 5-ट्राइल राइबोफ्लेविन। जब इसका एसिटाइलेशन करवाते हैं तो हमको मिलता है ट्राई एसिटाइल डेरिवेटिव। एंड जब हम क्या करवाते हैं, इसमें रिमूव करवाते हैं ट्राई ट्राइसर ग्रुप को, POCl3 पीरिडिन डाइल्यूट NaOH को, तो हमें मिलता है FMN, ठीक है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये हमारा क्या है? ट्राई राइबोफ्लेविन। रिमूव कर देते हैं हम इसमें से वाला ग्रुप, तो ये हमें FMN की, आप इसको प्रिपरेशन भी कह सकते हैं कि राइबोफ्लेविन से बनता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 का अनदर नेम क्या है? साइनोकोबालामिन। इसको साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन ऑल एनिमल टिश्यू, स्पेशली इन द लीवर ऑफ ऑक्स, शिप, हॉर्स, पिग एंड फिश। ये जो है पाया जाता है सभी एनिमल्स के टिश्यू में, ठीक है, स्पेशली कौन से एनिमल्स, ठीक है, जैसे ऑक्स, ऑक्स के लीवर में, शिप में, हॉर्स, पिग एंड फिश, ठीक है, तो वहाँ पे विटामिन B12 आपको मिल जाता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन स्वैग सलज। स्वैग सलज में मतलब क्या होता है? गटर का कीचड़, ठीक है, ये ज़्यादातर पाया जाता है किसमें? स्वैग सलज में। द डिफिशेंसी ऑफ दिस एंजाइम विटामिन कॉसेस। इसकी मतलब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है आपको? डिफिशेंसी से, इससे कौन सा डिफिशेंसी हो जाती है, मतलब, ठीक है, कारण क्या है ये होने का? उसका कारण क्या है? पर्निशियस एनीमिया, ठीक है, पर्निशियस एनीमिया से रोग हो जाता है। द डिफिशेंसी ऑफ दिस एंजाइम विटामिन कॉसेस पर्निशियस एनीमिया। विटामिन B12 ऑल्सो हैव कोएंजाइम एक्टिविटी एंड हैव बायोलॉजिकल फंक्शन। इसके कुछ फंक्शंस भी हैं, जैसे इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व करता है। इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है फॉर द कन्वर्जन। और कन्वर्जन क्या करता है? ऑफ एल ग्लूटामिक एसिड का किसमें? एल बीटा मिथाइल एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्जन कर देता है। अनोदर यूज आता है इसका, इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेटाबोलिज्म ऑफ डीऑक्सीराइबोसाइड। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ विटामिन B12 इज C63H88N14O14NPCO, मतलब कोबाल्ट, ठीक है। तो ये इसके कुछ फंक्शंस हैं। एंड हम देखते हैं अभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बिटेन क्या होता है। बिटेन इज अ मॉडिफाइड एमिनो एसिड कंसिस्टिंग ऑफ ग्लाइसिन विद 3-मिथाइल ग्रुप दैट सर्व्स एज अ मिथाइल डोनर इन सेवरल मेटाबॉलिक पैथवे। और ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, इससे क्या होता है हमारा 3-मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है। ये क्या है? NNN, मतलब 3 ग्रुप NN पे है, ये ट्राईमिथाइल NNN NN पोजिशन में हमारे 3-मिथाइल ग्रुप है, तो ट्राईमिथाइल ग्लाइसिन बिटेन।
एंड एक क्वेश्चन ये पूछा गया है DDCTP, इसके स्ट्रक्चर आपको ये ड्रॉ करनी है, डेक्सीसाइटिडिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, अब आपको मेरी वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। फर्स्ट आपको FMN पे नोट लिखना है कि FMN होता क्या है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है आपको इसकी एंड स्ट्रक्चर इलुसिडेशन के बारे में लिखना है। फिर आपको एक अलग टॉपिक है ये विटामिन B12, इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, साइनोकोबाल एमिन जिसको कहते हैं वो क्या है, उसके बारे में आपको कुछ लिखना है। फिर उसके फंक्शंस के बारे में लिखना है, उसके फंक्शंस होते क्या है। फिर एक अलग टॉपिक आता है बिटेन। ठीक है, ये अलग टॉपिक है, ये विटामिन B12 में ऐड नहीं है। ठीक है, ये आप देखो कि वाई शॉर्ट में पूछा गया है, बिटेन और DDCTP होता क्या है, तो आपको उसके बारे में लिखना है।